इट स्टार्टेड मैं एक बेसिकली आई एम एन इंजीनियर शक्ल से गंवार लगता हूँ ना मैं रिएक्शन से पता चल गया अनपढ़ लग रहा हूँ मैं इसको आई एम एन इंजीनियर माय पिकअप लाइन टू हर इज आओ बहन चुगली करे सिंदूर उठाया मैंने कहा फक ये तो असली वाला है शादी हो गई जिंदगी जंग हो गई हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। देखो बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक होस्ट को कॉम्प्लेक्स फील हो मतलब मुझे की क्योंकि मुझे हमेशा लगता था आई एम लाइक द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन इन द रूम लेकिन आज मुझे कॉम्प्लेक्स फील होने वाला है वेलकम टू दैट एपिसोड जहां पर मैं वेलकम करूंगी ऐसे दो गेस्ट्स को जो कि हैंडसम है ब्यूटीफुल है होस्ट है एक्टर है प्रोड्यूसर है राइटर है एवरीथिंग ऑल एट वंस हियर प्लीज गिव इट अप जोरदार तालियां हो जाए फॉर मनीष एंड संगीता See, that's what he's doing right now. He will just do this in the entire show. मुझे पता है. Manish, आप ठीक हो? Hi. Don't do this, okay? आप ये नहीं कर सकते. हिंदुस्तान की Ellen DeGeneres के शो में आपका स्वागत है. मैं रो दूँगी. रो दे. Glitz दे दो मुझे कोई. Glitz दे दो अभी रो दूँगी. अच्छा, Manish, hi कैसे हो आप? संगीता, hi कैसे हो? बिल्कुल ठीक. बिल्कुल ठीक. थैंक यू सो मच. इतनी तारीफें कर दी आपने मेरी. आई डोंट नो अभी कहाँ जाऊँ. थैंक यू. सुंदर ऋषि सो प्रिटी बाबा. आई नो. थैंक यू. एक सुंदर दूसरा सुरेंद्र. क्या जोड़ी है. नाम बदलना था ना बेबी. हो गया. बस यही मिल गया नाम. सुरेंद्र डन. ओके सो आप बस से कभी ट्रैवल किए हो? हाँ. लाइक लेजिट वो बस से स्लीपर बस से किया है? हाँ? शकल से स्ट्रगलर्स नहीं लग रहे हम लोग. हम यहाँ पे बस में ही आए हैं. शकल पे मत जाओ. शकल पे मत जाओ. क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं मतलब मैं आज पूरी रात वो बस में आई हूँ और मुझे अभी तक उसके धक्के मेरे को ऐसे महसूस हो रहे हैं. मतलब मैं अपने घर से आई हूँ जलगांव से तो मेरे को अभी तक वो फील हो रहा है कि मैं बस में और ये हिल रहा है ऐसा सब हो रहा है तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वो निकल गया. बट गुड गुड यू ट्रैवल बाय बस वेरी नाइस. ऑफ कोर्स. मतलब लग रहा है कि बिना स्ट्रगल के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ना. नहीं नहीं लग्जरियस प्लेसेस लेके पैदा हुआ है. इतना सुंदर सा चेहरा है विदाउट मेकअप है ये क्या हो रहा है यहाँ पर. लाइक नेचुरल ब्लश एंड ऑल. एनीवे कमिंग टू माय शो सबसे पहले मेरा ये सवाल है इससे पहले कि ये कुछ कहते मैंने सोचा कि क्वेश्चन पर आ जाते हैं. सो मनीष आर वी रेडी? बचपन से. तो आप दोनों को इंस्पायर क्या करता है टू डू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ लाइक कुछ भी एक्टिंग करने के लिए जोक्स करने के लिए. यू शुड रियली ट्राई स्टैंड अप बाय द वे. यू विल रियली बी गुड. बस ऐसे ही दूसरों को पुश करते रहते हो. तो क्या कौन इंस्पायर करता है आप दोनों को? क्या भारी सवाल पूछा मैंने. आई स्टार्ट विद यू स्टार्ट. अरे ओके फॉर मी इट्स इनोसेंस. इट्स ऑलवेज इनोसेंस. इट्स ऑलवेज एवरीथिंग अराउंड मी बट इट्स अ लॉट ऑफ इनोसेंस दैट यू नो आई लाइक द होल चाइल्ड लाइक being a childlike being and also people around me and bring that part. जैसे अभी अभी हम लोगों ने किसी को सुप्रभात किया और जैसे वो चहके हैं दिन दिन की शुरुआत वहीं से हुई और वहीं से इंस्पिरेशन आज का आया. और आपको? ओके इंस्पायर क्या करता है बड़ा गहरा सा. हाँ मेरे को भी लग रहा है बहुत गहरा हो गया. तू गहरा फॉर मी आल्सो. मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया. मैं इतना नहीं सोचती जिंदगी में. बट आई थिंक फैमिली में भी अगर ये एक फोर्स ना हो तो शायद मैं कुछ ना करूं. सच में? हाँ फैमिली है तो. मैं फैमिली अमली नहीं हूँ. मैं लौंडा हूँ घर में पड़ा रहता है. ये यार है मेरा यार. हाँ बाकी फैमिली मेरे मम्मी पापा हो या इन लॉज हो या ये या ऑफ कोर्स ही इज माय फैमिली ऑन सीरियस नोट. सो या फैमिली इंस्पायर्स. Family inspires. Very good answer. See, that's why वो Miss India की contestant. Yeah. Oh God, काश मैंने ऐसा जवाब Miss India में दिया होता तो जीत गई होती. Yeah. हमेशा अगर family, mama, papa अपनी कहानियाँ दो तो Miss India. Yeah, mama Earth. Yeah. या nature. Ah, nature. बस. Yeah, they really like it. No offense. I was. ये दोनों ही जवाब थे मेरे regional और. तुम दोनों के बच्चे qualify नहीं करेंगे देखो. They'll take it as an offense. Point noted. Tanvi and Sangeeta ke bacche Miss India mein banned. Baddua hai nahi, main predict kar raha hu. Mera to sapna hai ki meri beti to Miss Universe hi jeete. Bas. Wow. Sapna sadme mein convert hone mein zyada time nahi lagta.
ना मैं ज्यादा सोचती हूँ ना मैं इस तरह के कोई ख्याल रखती हूँ. ओह गॉड मैं घर क्या रही हूँ. आई एम जस्ट फ्लोटिंग इन दिस वर्ल्ड. आई रियली लाइक हर यार. शी इज टू स्वीट यार. टू स्वीट. आई थिंक द इनर प्यार हो गया यार. प्यार के ऊपर मैं आज मुझे पूरी कहानी जाननी है. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट आपकी जर्नी. लाइक आपके बचपन से सपना था कि एक्टर बनना है. मैं तो अभी भी सपना देख रहा हूँ कि एक्टर बनना है. No, yeah, generally, I'm still learning how to act. Yeah. But no, that is definitely not my journey. It started, I'm an engineer. शक्ल से गवार लगता हूँ ना मैं. तो रिएक्शन जब पता चल गया अनपढ़ लग रहा हूँ मैं इसको. आई एम एन इंजीनियर. नो आई एम जस्ट गेसिंग क्योंकि इंजीनियर में नॉट वेरी गुड लुकिंग गाइस आते हैं. आर यू मैड. ऑल द मोस्ट गुड लुकिंग जॉन इब्राहिम एपिटोम एक्टर्स. क्या बात कर रहे हो. आई थिंक अर्जुन रामपाल. या सो मेनी राइट. मिलिंद सोमन. मेबी आई डिडंट मीट द राइट. मेबी आई मेट द रॉन्ग इंजीनियर. राइट राइट काइंड ऑफ गुड लुकिंग इंजीनियर्स अप्रोच हर. थैंक यू. आई एम वेरी अप्रोचेबल गाइस. इंजीनियरिंग से वेरी गरीब फील्ड एज लाइक यू नो. हम लोग बच्चे पढ़ाई के अलावा टाइम नहीं मिलता. हाँ लेकिन क्लास में हमारे कॉलेज में MBA MCA वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना दिल्ली से कश्मीर से दोस्त गुड लुकिंग भैया. तो यू नो ये भैया मॉडल है ये भैया मॉडल है. हाँ तो वो एंड सडनली दे कम एंड आई एम सिटिंग इन द लाइब्रेरी रगड़ रहा हूँ अपने नोट्स से सडनली देख रहे सन मॉडलिंग करेगा. मैं गरीब था. हाँ नहीं तो वो लोग ले गए और वो भी एक्सीडेंट नहीं. पता है 6 दिन मेरे को वॉक करना सिखाया जो मैं वॉक नॉर्मल करता हूँ ठीक है. उसके बाद वो ले गए. इट वाज लाइक अ पूना लेवल बिग कॉन्टेस्ट. उसमें मैं बेस्ट मेल मॉडल जीत गया. उन्होंने बोला यार ये तो गड़बड़ हो गई. देन फ्रॉम देयर देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड मिस्टर लवल प्रभु. ही स्पॉटेड मी आफ्टर आई डिड कपल ऑफ शोज. सम पीपल स्पॉटेड व्हाटएवर. ही सेड मैं तुझे ना आई विल ग्रूम यू फॉर मिस्टर इंडिया. मैंने कहा सर एप्स दिखवा के ग्लैटरेक्स करवा लो. गैसम वैसम नहीं होगा मुझसे. मैं जवाब नहीं दे सकता. आई कांट स्पीक. बोले यू कैन स्पीक वेरी वेल. यू आर वेरी इंटेलिजेंट गाय. आई थिंक सो. ही ग्रूम मी एंड ग्रैसम मिस्टर इंडिया रनर अप मिस्टर बेस्ट स्माइल बेस्ट ड्रेस मेल एंड मिस्टर फोटोजेनिक. आई वन 3 titles इन द पेजेंट. एंड देन आई स्टार्ट मॉडलिंग इन टर्की. केम बैक टू बॉम्बे. एक ऑडिशन में मिस्टर संदीप सिकंद स्पॉटेड मी एंड इज लाइक एक्टिंग करेगा. मैंने कहा मेरे को नहीं आती. बोला हम सिखाएंगे. मैंने कहा पैसे नहीं दूंगा. अबे हम पैसे देंगे साले. एक्टिंग करेगा. That's where the acting journey started. Yeah. मुझे और complex हो रहा है. तो पहले तो मतलब Miss India हम भी हैं और आप Mr. India भी जीत गए हो. 3 title के साथ. Just go out of this room right now. Okay. After the interview is done. करना चाहती थी. एक दिन ट्यूशन के बाद ऐसा ना ऐसा कुछ तो कटोरी में खाते खाते ऐसा टीवी देखते देखते हीरो हीरोइन डांस कर रहे थे. एकदम से वो एक इच्छा जागी कि मुझे ये करना है. अब वो बच्चे के मन में कैसे आ सकता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया. और मैं बस डांस नहीं सीखी. एग्जैक्टली. और एक्टिंग भी. अब तो मुझे लगता है मैं एक्टिंग भूल चुकी हूं यार. नहीं कर लो. हां आगे आगे सर. या सो द सेम थिंग हैपेंड एंड देन आई वाज स्ट्रगलिंग. आई एम फ्रॉम वापी. तो वापी से बॉम्बे तक का रास्ता सिर्फ 2-2.5 घंटे का है. 2-2.5 साल लग गए मुझे बॉम्बे पहुंचते उसके बाद. सो इट सो हैपेंड कि जब कॉलेज आया मैंने पापा को बोला चलो सही मौका है. पापा को बोलती हूँ मुझे बॉम्बे जाना है. कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार. कुछ ना कुछ कर ही लेंगे. तो मिस इंडिया बिल्कुल दिमाग पे नहीं था. कुछ भी दिमाग में नहीं था. बस ऐसा था कि एक्टिंग किसी तरह से स्टार्ट हो जाए. मॉडलिंग तो था ही नहीं कहीं दिमाग में दूर दूर था. बट हाइट की वजह से मॉडलिंग वगैरह पहले हुई. सो अगेन इसलिए मैं बिठा के रखा है. मैं वापस स्टोरी को लीनियर कर देती हूँ थोड़ा सा. स्टोरी को लीनियर करते हुए यस. सो आई वाज इन माय सेकंड ईयर कॉलेज. जो मैं बड़ी जिद करके मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लिया कि मैं करस्पॉन्डेंस कर लूँगी चलेगा. लेकिन मुझे बॉम्बे का ही सर्टिफिकेट चाहिए. मेरे पापा जिद्दी मैं भी जिद्दी. मैं तुझे बॉम्बे नहीं जाने दूंगा. मेरे को तो बॉम्बे का ही सर्टिफिकेट चाहिए. ठीक है. तो सेकेंड ईयर में मिस वापी पहली बार होने जा रहा था. मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था. मैं अपने मस्त ट्यूशन क्लासेस सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ एंड जो मेरी टीचर थी उसने मुझे बोला कि आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट. और बेशक मुझे सब कुछ करना है ज़िंदगी में लेकिन
मैं कैसे ओके तो उसने बोला हम सबको सिखा देंगे तुम बस आओ. और मैं बस आई जस्ट वेंट विद द फ्लो. और लास्ट डे और मैं जानती थी मैं नहीं जीतने वाली हूँ. क्यों भाई? बस बस और ये था कि आई हैव ऑलवेज डिग्रेड माय सेल्फ. कभी भी इतना समझ आ रहा है बट यू हैव लाइक अ विनर फेस टॉल बॉडी लाइक एवरीथिंग. ये मुझे अब भी समझ आ रहा है. काश तभी समझ आया होता. खैर तो वो मिस वापी हुआ एंड मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन मैं जीत गई. जीत गई. उसके बाद मिस वापी के बाद फ्यू पीपल जो वहाँ पे जजेस उसमें पैनल में थे उन लोगों ने देखा. फिर मेरी मॉडलिंग करियर शुरू हो गया वहाँ से. तो मैं अहमदाबाद एंड यहाँ सब जगह पे बड़ौदा सूरत मेरा लोकल मॉडलिंग स्टार्ट हो गया. देन अ फ्रेंड रैंडमली उसने मेरा मिस इंडिया का फॉर्म भर दिया. मुझे पता तक नहीं है. अच्छा फ्रेंड है आपके? हाँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. उसका नाम गौरव था. अब तो मैं उसके साथ भी टच में नहीं हूँ बेचारे के साथ. लेकिन उसने मेरा फॉर्म भरा था एंड मैंने कहा बाप रे ये क्या हो रहा है जिंदगी में. मैंने कहा ऐसा हो सकता है. एंड मैं रीजनल राउंड्स पे पहुँच गई. मैंने कहा चलो यार मजे करके आते हैं. रीजनल में सिलेक्ट हो गई. सब कुछ ऐसे सरप्राइज होता गया होता गया होता गया और मैं टॉप 10 टॉप 5 तक पहुंच गई हूं. व्हाट आर यू सेइंग? या मिस फोटो नहीं नॉट फोटो बेस्ट स्माइल बेस्ट स्माइल बेस्ट स्माइल बेस्ट स्माइल. सो ऑल दिस हैपेंड. एनवायरनमेंट का जवाब भी हुआ उसमें. मदर नेचर जिसमें से चार पेड़ काट दिए और बोला नहीं तो मेन टाइटल तू नहीं ले सकती. नहीं हां यार. सो या टॉप 5 तक पहुंचे. सो मजा आया. उसके बाद में जो है वो सबके सामने जो है सबके सामने. कहानी लंबी हो गई है थोड़ी सी. चेंज करो चेंज करो. नहीं नहीं गुड स्टोरी. सो तीन पैजेंट वाले लोग हैं यहाँ पर. मुझे लगता है जो पैजेंट में जाते हैं वो इंट्रिंसिकली अच्छे लोग होते हैं. That's what I feel. जो पैजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं जीतते भी हैं. मतलब अंदरों अंदर से अच्छे लोग होते हैं is what I feel. ये पैजेंट के लोग क्योंकि मैं पैजेंट की हूँ तो I know कि जितने भी मैं पैजेंट के लोगों से मिलूं they're all very nice and I'm very sure we are also very nice. मतलब I know you're very nice. हम साथ साथ हैं. इसी के साथ we'll take a short break and we'll be back with a fun round जिसमें कहते हैं प्यार इश्क मोहब्बत इनका जानेंगे. और मैं और मेरी ड्रेस वेलकम करते हैं आपका. मेरी ड्रेस को इंपॉर्टेंस ही नहीं मिल रही जो उसको डिजर्व करती है. लाइक आई वांट एवरीबॉडी टू लाइक जस्ट अप्रिशिएट हाउ आई लुक. नो आई टेल यू व्हाट व्हेन शी सॉ यू शी सॉन्ग अ सॉन्ग कॉल्ड सिंड्रेला. सी दैट्स हाउ इट वेंट व्हेन यू लुक्ड एट यू. अभी क्या कर रही है? मेरी स्टाइलिस्ट बहुत खुश हो जाएगी. कौन कौन? हमारी स्टाइलिस्ट. स्टाइलिस्ट ना स्टाइलिस्ट के लिए एक बिग शॉट आउट हूएवर शी इज. ओके गुड. लेट्स स्टार्ट विद योर स्टोरी. ओके तो आप लोग यू मैरिड वेरी वेरी लेट एंड देन यू सारी पोले खोलेगी. ही मैरिड लेट बट यू मेट अ वेरी राइट वुमन एट अ वेरी राइट टाइम. तो हाउ डिड यू कैसे हुआ? नजर ना लगे यू बोथ आर वेरी स्वीट टुगेदर. अरे कुछ नहीं. सो हुआ ये कि आई एंटर्ड द शो स्वाभिमान ऑन कलर्स जो चार दिन में बंद हो गया जहां हम लोग मिले ही नहीं. अरे नहीं द शो वाज सुपर हिट एंड सडनली इट जस्ट वेंट ऑफ एयर. तो मेरा टेलीकास्ट में टेलीकास्ट भी नहीं हुआ. शो बंद हो गया क्या हो गया पता नहीं. दे हैड सम इंटरनल स्टफ. सो वी डिडंट वी मिलके भी हम ना मिले तुम से ना जाने क्यों वाला फीलिंग आया. अभी मुझे सेम थॉट आया था अबाउट हमारा मिलना. एग्जैक्टली एंड वी डिडंट लाइक नोटिस बिकॉज शी इज अ वेरी क्वाइट पर्सन. आई एम टू लाउड टू नॉइजी टू टू बबली. मैं इनविजिबल थी इन हिज वर्ड्स. Yeah, she's like, I didn't see you, you're too invisible. But then we met at Suchi ma'am's party, Suchitra Pillai ma'am. She had a party and she was hosting and I realized I didn't know anybody. And that's where the Swabhiman gang came and I kind of started hanging around with them. Then the rest of the gang left. Hum dono ki dosti shuru hui aur iske pehle sawal, pehli cheez maine usko bola. Maine kaha, abhi yaar, we need to break the ice and she's a very quiet person. Toh maine kaha, abhi kya pick up line kya ho sakti hai? Doesn't party and wanted to go back home aadhe ghante ke andar immediately. Yeah, so iske liye main uske paas mein gaya. Maine kaha my pickup line to her is aa behan chugli kare. Bolti hai kiske bare mein gossip chahiye? Maine tere bare mein pehle paper mein ye padha bata kya sachchai hai tere. Bolti bada beshram insaan hai. But that's when she really opened up and we started talking and it went on for a while and then like you know it started with those drives and we used to go on a hilltop park the car lie down on the top of it. Pad gaya.
टाइम लगा टोटली। अरे पूरे डीडीएल जगह शाहरुख खान बनना पड़ा था यार, मैं इसके घर में रायता फैला के आ गया था। इसके बेस्ट फ्रेंड्स, इसके भाई भाई सब लोग इस बेस से नाराज हो गए, ये लड़का है ये तो खतरनाक, राम 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 राम। मुझे नहीं पता था वहाँ चार लोग बैठ के मुझे जज कर रहे हैं। और लड़की को बताने के लिए उनके बेस्ट फ्रेंड्स को बताना बहुत जरूरी। यू टेलिंग मी हाय पूर्वा। क्या नाम है बेस्ट फ्रेंड का? पूर्वा। मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम अपूर्वा है। अरे इसकी भी एक और है अपूर्वा, भी अपूर्वा इसकी जिंदगी। लखनऊ, लखनऊ से? लखनऊ से नहीं, नहीं पुणे। इतनी शादियां हो जाती है कि शादी तो मतलब इट्स क्या करना, पार्टी से हम बताते हैं आपको। बट प्रॉब्लम यह है, सडनली व्हेन डिड आई रियलाइज दिस, सिंदूर उठाया मैंने कहा फक ये तो असली वाला है। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है नॉर्मल डायरेक्टर साहब समझेंगे 24 FPS में नॉर्मली जाना चाहिए, ये 1000 FPS में। एंड मास्क पहने हुए थे तो किसी को पता नहीं चला कि इतने बोली सी सूरत के पीछे क्या चल रहा है। एंड शी सेज सडनली सेज चुपचाप डाल दे, मैंने कहा हाँ शादी हो गई। जिंदगी झंड हो गई। पर ये भाग गए, इन्होंने एक चीज मिस कर दी। क्या? कि पूरी जिंदगी जो नजर आई थी आपको टनल विजन में, टनल विजन, हाउ यू डाई दे से यू गेट अ टनल विजन, लाइक शिट पूरी अय्याशियां सब सारे सब वापस चले जा मनीष, भाग जा बेटा, चुपचाप डाल। था यू एक्चुअली सेड चुपचाप डाल? हां नहीं नहीं एग्जैक्टली, ए झूठी, कुछ नहीं बोला था मैंने। ए चल, कुछ नहीं बोला था मैंने, इतनी बड़ी झूठी है, बोली सी सूरत झूठी, तू आ बोली सी सूरत में, आई स्वेयर। ओके स्टोरी, थैंक यू फॉर बीइंग सो रियल। इससे पहले वर यू लाइक अ ऐसा था कि मतलब मेनी रिलेशनशिप्स, ऐसा था कि यू वर नॉट लाइक दैट, यू वर जस्ट स्केर्ड ऑफ रिलेशनशिप्स, क्या था आपका सीन? आई एम अ बॉर्न वर्जिन, आई डोंट नो अबाउट हर। फुल करण जोहर हो रहा है अब, फुल करण जोहर हो रहा है। सलमान से सीधा गदर शुरू हो जाएगा। तो आम अपना बात करो भाई, अपना तो क्लियर है। इनके बारे में नो, या ही वाज लिटिल एंड यू गॉट हिम इनटू लाइक वन पीस। आई हैव नो आईडिया हाउ ऑल दिस हैपेंड। छोड़ो छोड़ो, या आई हैव नो आईडिया ये सब कैसे हुआ। जहाँ है वहाँ बहुत खुश है, बस इतना पता है मुझे। आई एम इन द बेबी, आई एम इन द प्रेजेंट। How proud am I of you? Till you fuck up this present with some random answers. Oh, don't do that, yaar. Spice it up and all. Spice it up, na? Haan, toh doesn't say. This is spice. Spice it up. We give you other kind of spice. This is like those wo chatpata hota na. Acha, toh give me spice na. Kadwa nahi karna. Spice kis baare mein? Just like her spice. Iska spice bol do. Agar ye masala hoti, toh kaun si hoti? Ye. Personal mirchi. बहुत तेज लगती है भाई। जेन्युइनली बोल रहे हैं, जब ये लाइक व्हेन शी इज एंग्री, शी इज रियली एंग्री, बट इट मेलोस डाउन लेटर। जब एंग्री होती है तो चुपचाप डांट सुन लेने का, बीच में बोलने के लिए बोलने तो दे। अच्छा ठीक है, ये दोनों तरफ से सेम था। अच्छा चल ठीक है, बस खुद का एंगर पता नहीं चलता है। ये भी होता है, ये होता है, ये होता है, वही तो। इनको देर में आता है, लेकिन जब आता है ना तो बस चुप हो जाओ और उस टाइम पे सुन लो। एक्चुअली दोनों का सेम है बेबी, मैं अकेली नहीं हूँ। वो किसी भी एज है, दो सिमिलर उम्र वाले भी एक दूसरे की जान निकाल सकते हैं और दो डिफरेंट उम्र वाले भी एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो सकते हैं। ये मेरे को लगता है, पता है कि इसने क्यों लिखा रहेगा साले ने। He is hiding. No, it doesn't matter, dude. Doesn't matter. Yeah. हमको ये अरे सैफ और करीना की शादी हो गई ना, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? अबे प्यार नहीं है बे। उसका क्या करे? I realized कि that question doesn't matter, because I understood. No, I understand what he wants, wanted. We gave you. Ma'am, views for you, views for you. Casting couch, आप दोनों ने कभी face किया है in this industry? यहाँ एक director बैठी है, अभी भी उन्होंने बोला था interview देना है तो देखो कुछ करना पड़ेगा। अरु बहुत अच्छी है हमारी। हाँ ना वही।
मैम क्या ऑफर दिया था आपने बताओ. उनके काउच पे आके उनको ही बदनाम कर रहे हो. अरे बता दे हमारी बातें. बोले शी इज लाइक एडिट मेरे हाथ में कुत्ते बोल रहे जो बोल रहे. हमारी हमारा प्यार बता दे सबको. हाँ हाँ ओहो चलो वहां तक पहुंचने के लिए काउच था मतलब कुर्सी थी. काउच क्या था. कुर्सी हाँ कास्टिंग काउच. कास्टिंग काउच हाँ बताइए. यू टेल हर देम ऑल ऑफ अस. ऑल ऑफ अस. नो 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 नहीं. आई डोंट नो मे बी आई शायद मैं सही जगह सही लोगों से मिली आज तक तो कभी बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा फेस नहीं करना पड़ा. सो नाइस लकी यू. या वेरी लकी यू. यू मेरा तो रायता पहला हुआ था. आई मेट ऑल काइंड ऑफ पीपल एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग बिकॉज हर बार एंड टचवुड द एटीट्यूड हैज ऑलवेज बीन लाइक हाँ ठीक है यार लग गई यार. इट वॉज लाइक शिट क्या हो रहा है मेरे साथ. मैं एक बार मैं एक जगह से निकला मेरे घुटने कांप रहे थे. ऑफर केम इन एंड स्टफ लिफ्ट तक जा रहा तो वहां तक एक किस्त तो देके जाओ. एक किस्त तो देके जाओ. उसको समझ में नहीं आ रहा मैं सुसु कर दूंगा. मेरी फटी पड़ी. मैं लिफ्ट मैन की तरफ देख रहा हूँ. भाई बचा ले जल्दी ले चल तेरी लिफ्ट की नहीं बंद हो रही है. बोले सर रोज आते हैं कोई बात नहीं आपकी फटरी आपका प्रॉब्लम. सो आई केम डाउन आई कॉल माई गर्लफ्रेंड देन बेबी एंड शी इज लाफिंग. मेरे यू लाफिंग. हाँ मेरे घुटने कांप रहे हैं यार. होती क्या नॉर्मल है ना इन दैट इंडस्ट्री. मैंने कहा नो इट्स नॉट कॉमन बिकॉज इट इज नॉट अ कॉमन थिंग. इट इज जस्ट देयर आर सम पीपल who might have this or probably a lot of peripheral people not the core industry peripheral yeah. people thoda wo usko badnaam kar dete hain. They put these issues forward where you start feeling that the industry is like that. No yaar like you know we are doing like you know in front of the camera behind the camera everything that we are doing or we are producing to aisa kisi koi cheez kisi ke dimag mein nahi aata kyunki channel meeting se leke ye sare 50 tante hain yaar zindagi mein usme kaun sochega couch lagao beech mein. And with that note, we will do a short break and we will be back with some rapid and spicy questions. Not rapid. Fire, spicy. Okay, woo! And we'll fan it up. Fan it up, please. Hi, welcome back. We are here. We are going to play some rapid and spicy questions. Are you both ready? Listen. Yes. हमें इसके पैसे मिले. Thank you. This game is called Who's More Likely. Okay. ठीक है. आपको likely to. नहीं Who's More Likely to. हाँ Who's More Likely. तो आपको point करना है fingers. Okay. ठीक है. Okay. Who's More Likely to be annoyed at each other at. Okay. Great. Who's more likely to cry even at like advertisement को देख के भी रोना आ जाए. इतना emotional कौन है. Hi. Okay. Who's more likely to be flirtatious? मैं चारों पैर वैर सब उठा सकती थी बट नहीं उठाऊंगी. रहने दे. रहने दे. घर की इज्जत घर में रहने दे. ची. Who's more likely to like pick a fight? Like. Baby, no. Baby, Juta. Moody. Oh my God. Moody and cranky at times. Exam. Okay. Who is more likely to apologize after a fight? So sweet. Both of us? Yeah, both of us. अच्छा तूने reflection में देखा मैंने. ये finally sorry बोलना शुरू कर दिया है. उनको realize हो गया कि sorry में खुशी है. Happy wife is happy life. See, he is getting annoyed. पहले सवाल का जवाब अभी सामने आ रहा है. दिख रहा है. Who is? ये तो मतलब I know the answer before you. Who is more childish? Childlike बोल सकती. Who is more childlike? Man, handsome man, man. Who is more of a party person? Yeah. Nice. Who asked for a first date? Tum dono mein se. Yeah. Who initiated the first kiss? Man, handsome man. Nahi to Prabhul virgin mar jata. And who proposed? Who said I love you first? Me. Everything is done. What have you done? अनोय होने का पार्ट वो कर रही थी ना पहले. व्हाट इज दिस यार. पूरा उसने पूरी हमाली की. नो वन सेकंड.
शादी के बाद कौन सा प्रपोजल होता है? अरे लॉकडाउन में और शादी के कैसे प्रपोजल करोगे, जब घर पे आओगे तभी प्रपोजल करोगे। प्यार का भी तो प्रपोजल होता है, क्या हुआ यार? तो धीरे बोला, कट करो यार बात करते। तो प्रपोज किया ही नहीं। नहीं, सो बहुत ही म्यूचुअल था, बहुत ही म्यूचुअल था। एंड यू पता है कैसे हुआ ये? ऐसे हुआ, वी वर सिटिंग एंड आई लुक एट हिम, मेबी आई थिंक लाइक या आई थिंक आई लव यू, दिस इज व्हाट हैपेंड। इसको याद नहीं है तो इन्होंने बोला है। देन शी डिड, शी डिड, ओके आई लूज, वापस रोल कर। आग लगाने के लिए थैंक यू सो मच। घर पे आना बाल्टी लेके। वो बोल रही थी कंट्रोवर्सी में पानी डाल देती है। कहाँ डाली, इतनी अच्छी निकाली। हाँ वो अच्छी वाली कंट्रोवर्सी, तो ऑलवेज नाइस। बट लाइक ही डिडंट गो ऑन हिज नी एंड ऑल। आई डिड। अभी आप बता दो, शादी के बाद आपने क्या किया था? हाँ। अरे यार, शादी के बाद वाले प्रपोजल को प्रपोजल नहीं कहते। Because there was a lockdown, there is no proposal for marriage. I was like, चल, you know, today. तिरुमला में आए थे ना जब मैं कपड़े खरीद रही थी। बेबी दोनों के मास्क, दोनों के मास्क लगे हुए तू। चलने दो, चलने दो। I'm enjoying this. तिरुमला में क्यों नहीं किया प्रपोज? तिरुमला में क्यों नहीं किया? बालाजी ने अकल नहीं दी थी। अरे नहीं, ओके वेट, आई टेल यू हाउ रोमांटिक इट इज विथ हर। सो व्हाट हैपेंड इज, आई एम एन इटर्नल बैचलर, मेरे कमरे में पहली बार कोई लड़की आके रह गई है अभी, ठीक है? उसका एक्सप्रेशन वी नो दिस, वी हैव मेट दिस बॉयज। या या, सो सडनली शी कम्स एंड सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग शादी एंड दिस थिंग, आई लाइक 11 बजे मतलब शादी, वी कम बैक होम एंड देन वी हैव अ नैप, नैप के बाद उठा एंड सडनली आई सी हर, मैं बिस्तर से कूद के बाहर निकला, मैंने कहा अबे तू घर पे नहीं गई क्या? बोलते साले शादी हो गई है। आई लुक एट हिज फेस, मुझे ऐसा था कि ये भी एक्सपेक्टेड था, एक भागना एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था। बंदे ने जो तैयारियां की थी ना उसके लिए मैं इसकी तारीफें करती हूँ। हाँ, तो आई जस्ट मेड दिस फुल कैंडल से डेकोरेटेड पाथवे बनाया और मैं घुटने पे जाके अपना व्हाटएवर दैट खोल के ऐसे बेसिन लेके ऐसे मैं बैठा हूँ। दरवाजा खोल के ये क्या है? मैं सारी कैंडल बजा, कोई फायदा नहीं। बेबी सारी उम्मीदें टूट गई थी वहां तक कि अब तो कौन सा ही प्रपोजल होने वाला है। नहीं यार, बिकॉज़ वी कांट, शादी तो शादी वाज लाइक अ वेरी रैंडम प्रपोजल बिकॉज़ ऑन 12th ऑफ जून। नहीं बोल देगा थोड़ी देर में, 15 बेटर होता था। नो द थिंग इज व्हाट हैपेंड वाज एंटायर लॉकडाउन आई वाज लाइक आई सेड नो दैट ग्राउंडेड वाला फीलिंग। तो पहले एक हफ्ते आई वॉज लॉस्ट, टू मच ऑफ एनर्जी, वॉट टू डू लॉकडाउन, तो आई स्टार्टेड वर्किंग। सो आई मेड अ म्यूजिक वीडियो इनसाइड द हाउस एंड जी बॉट इट एंड वी हैड द व्हाटएवर, दिस इज 12th ऑफ जून आई गॉट फ्री। मैं पापा अंगड़ाई लेके बोला पापा आज मैं छुट्टी लूंगा, तो बोला बेटा शादी भी कर ले। मैंने कहा ठीक है कर लेता हूँ। फिर ऐसे मस्ती मस्ती में उसको फोन किया तो बोलती है बेवकूफ है क्या, ऐसे शादी को फिक्स करता है? हाँ तो बोला मम्मी पापा की बात करवा दे, मम्मी क्यों शादी कर लेते, मैड कैसा मजा गई है। ऑफ कोर्स हां पे या मतलब हम ब्रेकअप के कगार पे थे और वहां अचानक मुझे बोला शादी करनी है, वो बिकॉज़ ही गॉट स्कैर्ड कि तुम चली जाओगी। नहीं, आई बिकम अ क्रैंकी किड व्हेन आई एम नॉट मीटिंग, आई एम अ क्रैंकी किड, बेबी मीट मी, मीट मी, मीट मी, मीट मी, मीट मी, मीट कैसे करें हम लोग वहां से आ नहीं निकल रहे। तो देन शी वाज लाइक शादी करके तू पार्सल लेके घर पे आ जा, एडमिट किया। हां नहीं, आई जानती तो मैं थी। ये उड़ गए। तो देन मैं क्या बता रहा था, किसके लिए सारा? तो 12 जून को बात करवाई, बोला चल 4 बजे शीज़ देख तैयार तो होने दे, उनको भी तो वीडियो कॉल पे ऐसे सामने बिठाया, मेरे मम्मी पापा बैठे आपस में बात की, शादी फिक्स। बोला 15 का 2 तारीख निकली है, एक तो 15 और दूसरा 30,
मुझे दो बेस्ट फ्रेंड्स का बर्थडे, एक 15 को मतलब जस्सी का बर्थडे, एक अविका का बर्थडे. हाँ. अविका का बर्थडे डिसाइड हुआ क्योंकि इतने दो दिन में शादी पटके पड़ते थे. मम्मी पापा के साथ रहने का मौका मिले आफ्टर सो मेनी इयर्स. फूके मार दी लड़की ने कैंडल को. ये सच है, है ना? You are like cute. इसने मुझे बुली बना दिया है. मैं नहीं करती थी ये सब पे. अभी करने लग गए हो? अब मैं करने लग गई. अच्छा अच्छा. सबसे ज्यादा इसको ही बुली करती हूँ. घर में होना चाहिए खिलौना. हाँ. फिर बाहर नहीं निकलता. घर में बुली हो जाए, बुली हो जाए. लॉजिक देखो. पॉइंट टू बी नोटेड. ये हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड ही चल रहा है. वी वर डन क्वाइट पैनिक. डन डन डन. बट यू गाइस वर्ड इट फैबुलसली वेल ऑन रैपिड फायर. शी विंस इट फॉर श्योर. Congratulations! Your gift hamper. I won. Yes, baby, you won. This is your gift hamper. जीती नहीं सकती थी ऐसे कैसे? Thank you so much. Thank you Hindi TV. And Tanvi. Thank you Tanvi, but मैं कैसे जीत सकती हूँ? नासपीटी पहले बोले था मेरे को दे दे. Congratulations! You won because you very well deserve it. And इनको पता नहीं है, he's hard one to catch. So it's a good thing. God. I take that as a compliment. You do, yeah. I don't think it was, but yeah. Yeah, it was a compliment for sure. Thank you. Congratulations, Sangeeta. This is for you. Thank you so much. This is for you. Thank you. मेरी जिंदगी का पहला हैम्पर जीती हूँ मैं. थैंक यू तन्वी. यू आर वेलकम. एंड रैपर स्माइल को थैंक यू बोलना चाहेंगे. दे गिव अ वेरी ब्यूटीफुल हैम्पर. थैंक यू सो मच. यू डोंट से थैंक यू, इट्स नॉट फॉर यू. I know. You please save your thank you speech for comments. I am crime master Gogo. हाथ को आया मुंह ने लगा. कितना अच्छा बोला. You just ignored me. क्या कैसे? उसने कितना अच्छा बोला. हाँ, मैंने बोला save your thank you for comments. Thank you. Third one. बस ये दुआ लेने आया था मैं. माँ की दुआ है. सिंड्रेला माँ की दुआ है. ये एपिसोड 10 घंटे चल सकता है अगर हमें इस काउंस पर बिठाया तो. थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, सपोर्टिंग अस, लाइकिंग अस. डू लव देम बिकॉज दे आर वेरी 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 लवली. एंड या स्पाइसी कब लाते रहिए अपनी जिंदगी में. रिमेंबर टू ब्रिंग स्पाइस इन योर लाइफ. लिटिल इज ग्रेट, लॉट्स विल क्रॉस ट्रबल हियर. बाय. गुड वन. थैंक यू. हिंदी टीवी, भाषा लोकल, सोच है ग्लोबल. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे.